तो है फ्रेंड दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एच के एस मोबाइल इंजीनियर में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन है। सैमसंग का ये फ़ोन है A10S, ठीक है। ये देख लीजिए, कुछ SM A107DS, ठीक है। ये सैमसंग का A10S मॉडल है सैमसंग का। इसमें FRP लॉक लगा हुआ है फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए मैं पहले आपको चेक करा दे रहा हूँ इसमें FRP लॉक लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। ये देख लीजिए, इसमें FRP लॉक नेक्स्ट का ऑप्शन, स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो इसमें मैं नया ट्रिक से, नया अपडेट के साथ मैं आपको FRP बाईपास करना सिखाऊंगा बिल्कुल ईजी तरीका से, वन क्लिक में, वो भी अनलॉक टूल से। तो कैसे करना है, इसमें न्यू अपडेट आ चुका है और इसको कैसे यूज करना है, कैसे FRP बाईपास करना है बिल्कुल वन क्लिक से, तो आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आप लोग समझ पाइएगा। तो चलिए डेस्कटॉप पे और हम दिखाते हैं आपको इसका कैसे FRP बाईपास करते हैं फ्रेंड, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाना है, ठीक है। तो मैं फ़ोन को यहाँ पे रख दे रहा हूँ और आपको डेस्कटॉप में जाना है। और डेस्कटॉप में आपको क्या करना है, ये देख लीजिए, MI पे यहाँ रहता है, सैमसंग में जाना है। सैमसंग में जाने के बाद यहाँ मॉडल सर्च कर लेना है, A10S, ठीक है। इसमें ये देख लीजिए मॉडल दे रखा है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं मॉडल सेलेक्ट करके, फैक्ट्री सेट ADB FRP बाईपास रिमूव FRP, ये देख लीजिए, ये MTP मोड में दे रखा है। हमें क्या करना है, आपको यहाँ से फैक्ट्री सेट करते हैं, रीड इनफो ले सकते हैं और FRP बाईपास यहाँ से MTP मोड में कर, फोन ऑन रहेगा उसमें FRP बाईपास कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज, ये देख लीजिए आपको कहाँ से करना है, किस तरह से आपको करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले MTK में जाना है, इसका जो है CPU MTK लगा हुआ है इसमें। और आपको क्या करना है, MTK में जाने के बाद ये जो देख रहे हैं इरेज FRP, इस पर टिक करना है, ठीक है। इस पर टिक करने के बाद आपको फ़ोन को ऑफ़ कर लेना है। ये देखिए, हमने फ़ोन को ऑफ़ कर लिया, तो फ़ोन जैसे ही हमारा ऑफ़ होगा, और आपको डिवाइस मैनेजर भी ओपन कर लेना है, ठीक है। मैंने ओपन कर रखा है बीच में। और आपको क्या करना है, सिर्फ डाटा केबल कनेक्ट करना है, ठीक है। ये देखिए, हमने डाटा केबल कनेक्ट किया और ये देखिए हमारा पोर्ट भी यहाँ बना चुका है, शो कर दिया, बट यहाँ कुछ फेल दिख रहा है, ये देख लीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से डाटा केबल डिसकनेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ से इरेज FRP पे क्लिक करेंगे, इसके बाद वॉल्यूम डाउन को अप को दोनों को एक साथ दबाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम डाटा केबल कनेक्ट करेंगे, ये देखिए जंपिंग टू ब्रोम मोड, फाइल ये लिख दिया। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार कनेक्ट करके देखते हैं, ट्राई करते हैं ये क्या बता रहा है, ठीक है। तो हम फिर से FRP बाईपास पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम वॉल्यूम अप दबाते हैं, ठीक है। सिर्फ हमने वॉल्यूम अप दबाया, जंपिंग टू ब्रोम, तो ये नहीं कर रहा है, ब्रोम मोड में नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर से इसको हम कनेक्ट करते हैं डिसकनेक्ट, फिर से FRP बाईपास पे क्लिक करते हैं, वॉल्यूम डाउन को कनेक्ट करते हैं दबा के, ये देखिए जंपिंग टू ब्रोम मोड कर चुका है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन ये बाईपास करेगा, ये देखिए हमारा पोर्ट भी यहाँ बना रखा है, ये देखिए ये देखिए प्रीलोडर, ये सारा कुछ ये ले लिया है यहाँ पे, ये देखिए इन्होंने यहाँ पे FRP बाईपास जो है क्लिक कर रखा है, इसमें इरेज FRP ओके कर दिया है। तो मेरा जो काम किया वॉल्यूम डाउन
और डाटा केबल कनेक्ट करने से हम फ़ोन को खोल लेते हैं और फ़ोन को ऑन करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने फ़ोन को ऑन कर दिया है और हम इसको चेक करते हैं कि इसका जो FRP लॉक लगा हुआ था वो यहाँ से हटाया नहीं हटा फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड ये ट्रिक आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जो न्यू से न्यू लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ ऐसी ऐसी वीडियो FRP बाईपास का नई नई ट्रिक, क्योंकि अभी बहुत सारा टूल जो था सैमसंग का वो बंद हो चुका है, इसलिए मैं नया नया ट्रिक आप लोगों के लिए सैमसंग का ऊपर वीडियो ला रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ही ऐसा ऐसा वीडियो ला सकूँ फ्रेंड। ठीक है, तो आपके सामने बिल्कुल लाइव मैं दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, यहाँ से नेक्स्ट का ये एसेसबिलिटी आ गया, इसका मतलब हमें FRP बाईपास शायद हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए स्किप का ऑप्शन यहाँ आ चुका है, इसका मतलब जो है हमारा FRP बाईपास वो हो चुका है फ्रेंड। ठीक है, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर सॉल्व हो गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जो ऐसी न्यू लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लाता रहता हूँ वो आपसे मिस ना हो। और आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए फ्रेंड। ठीक है, मेरा लाइट थोड़ा बंद हो चुका क्योंकि चार्ज मेरा फ़ोन जो है वो नहीं था, इसलिए मेरा लाइट बंद हो चुका है और वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी चालू ही है। स्किप करते हैं, फिनिश पे क्लिक करते हैं। ये देख लीजिए, तो हमारा जो है ये FRP बाईपास हो चुका है, वो भी अनलॉक टूल से। ये देख लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल इजी तरीका से हो चुका है। तो फ्रेंड वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जो आप लोगों के लिए इसी से वीडियो बनाता रहता हूँ वो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।